many things for you that you are going to absolutely love. लॉकडाउन पार्ट टू शुरू हो चुका है और हम में से काफी लोग ये लॉकडाउन को लेकर थोड़े इरिटेटेड भी है। ये वाला लॉकडाउन पिछले वाले लॉकडाउन से थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, इजंट इट गाइस? सो ऑल ऑफ यू, व्हाइल यू आर जॉइनिंग, आई विल टुडे जस्ट टेल यू दैट आज का जो लाइव वीडियो है इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट आवर इश्यूज एंड हाउ वी आर डीलिंग विद लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आर हेल्थ। ओके, अ कपल ऑफ थिंग्स दैट आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव इश्यूज विद इन द लॉकडाउन इज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एनर्जी लेवल्स। काफी सारे क्लाइंट्स ये कह रहे हैं कि वी आर हैविंग इश्यूज यू नो विद आर एनर्जी लेवल्स, वी आर फीलिंग लेजी, वी आर फीलिंग लेथार्जिक, दे आर नॉट वेरी वेरी हैप्पी विद द होल सिचुएशन। आप लोगों में से काफी काफी लोग ये फील कर रहे होंगे, तो मुझे सिर्फ इतना पता करना है कि हाउ मेनी ऑफ यू आर ओके दैट टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। ओके, लेट अस टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन ऑन आर हेल्थ। ठीक है ना, सबसे पहले तो अपनी हेल्थ पर क्या असर होता है, और अप्रैल तो भाई पूरा एटलीस्ट महाराष्ट्र में इज नॉट गोइंग वेल, और दूसरे स्टेट्स में भी जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, नॉट मेनी आर वेरी हैप्पी यू नो विद द होल कॉन्सेप्ट, है ना। सबसे पहले एक फन चीज से शुरू करते हैं। लेट मी जस्ट चेक एवरीवन, एवरीथिंग लाइव। रसाली पूछ रही है हाउ डू आई लूज सम वेट। रसाली, वॉच दिस वीडियो एंड यू विल गेट अम्प्टीन अमाउंट्स ऑफ यू नो ज्ञान ऑन हाउ टू लूज वेट टुडे। ठीक है, कल रात को घर पे, वेल इट इज समर नाउ एंड आई मस्ट टेल यू दैट सबको समर रिलेटेड खाना बहुत पसंद है। मैंगोज तो हमने एक पूरा लाइव वीडियो किया था रिगार्डिंग मैंगो, बट वेन इट कम्स टू समर्स आई डोंट नो, मुझे एक चीज की क्रेविंग होती है और वो है पानी पूरी। ठीक है ना, हाय विल्मा, हाय एवरीवन, वी आर क्वाइट अ लॉट ऑफ अस आई थिंक नाउ, एंड मैं आप लोगों के साथ शुरू कर सकती हूँ यू नो अबाउट टुडे। तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से कितनों को समर में पानी पूरी की क्रेविंग होती है। आपको ये बता दूं दैट पानी पूरी इज नॉट समथिंग विच इज इजी टू डील विथ। हाँ, एक एक पूरी में 6 ग्राम फैट होता है और 6 ग्राम फैट बर्न करने के लिए आपको मिनिमम आधा घंटा वॉक करना पड़ेगा। एक प्लेट पानी पूरी में 6 पानी पूरी, सो इमेजिन 3 आवर्स ऑफ वॉकिंग आफ्टर ईटिंग जस्ट द पूरी ऑफ दैट पानी पूरी, है ना। सो जिन जिन को अच्छा लगता है पानी पूरी की यमी यमी, आप लोगों को बता दूं कल घर में पानी पूरी बनी थी। सो यू नो व्हाट आई डिड, कैन आई टेल यू व्हाट आई डिड? मैंने एक बोल लिया, ठीक है, इन दैट बोल घर में रगड़ा बना था, सो आई एडेड ऑल द रगड़ा दैट कुड फिट इन वन कटोरी, बिकॉज एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरा काम है पोर्शन कंट्रोल, राइट। एंड आप लोगों को इट स्मेल्स सो अमेजिंग। रगड़ा इज मेड आउट ऑफ वॉट यू नो ना, व्हाइट वटाना। व्हाइट वटाना इज फ्रॉम द पल्स कैटेगरी एंड पल्सिस आर प्रोटीन्स। सो फॉर नाउ इसमें ना कोई ऑयल है, इसमें हल्दी नमक है, इसको अच्छे से पकाया गया है, राइट। सो हमारी जो हेल्दी बेस बन रही है दैट सीम्स टू बी क्वाइट कूल राइट नाउ, इजंट इट? इट इज हल्दी नमक वाला रगड़ा, वेरी हेल्दी, नो इश्यूज एट ऑल। मेरे घर में बॉइल्ड मूंग भी हम लोग लेते हैं टू एड इट इन आर पानी पूरी। आई विल टेक हाफ अ कटोरी ऑफ दिस बॉइल्ड मूंग इन टू दिस बाउल। ओके, सो देयर वी गो, चिल्ड हाफ कटोरी मूंग। मूंग में भी हम हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। ऑल राइट, दिस इज अगेन वन बोल ऑफ एक्सट्रीमली यू नो हेल्दी डबल प्रोटीन कमिंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ प्रोटीन्स, इजंट इट? प्लांट प्रोटीन, डबल प्रोटीन, लो कार्ब एंड राइट नाउ अप टिल नाउ इट इज जीरो फैट। ऑल राइट, अब आती है बारी एक चीज की जो मुझे डाइट में इतने अच्छे नहीं लगते, किसी की भी डाइट में ऐड करना, दैट इज योर आलू। बट एट द सेम टाइम आलू के बिना पानी पूरी कैसी लगेगी? सो मैं, मेरी लिमिट 1 चम्मच बॉइल्ड आलू कट करके ऐड करने की रख रही हूं। यू डिसाइड व्हाट इज योर लिमिट, ओके, एंड प्रोसीड। अब इसमें अलग अलग किस्म की वैरायटी बन सकती है। ओके, वेराइटी नंबर 1 इज
what I do, I put 2 spoons of meetha chutney in this. You know, meetha chutney is also completely fat free. बनती है किससे? खजूर से. खजूर में क्या? आयरन मिलेगा. इमली में आयरन मिलेगा. नमक, शक्कर, ऑल दैट आई डोंट पुट इट. ओके, एंड दिस इज व्हाट आई डू विथ व्हाट आई कॉल एज माय पानीपुरी. 2 चम्मच मीठा चटनी, 1 चम्मच ग्रीन चटनी, ऑल राइट, एंड लॉट्स ऑफ तीखा पानी. सो दिस इज हाउ आई ईट माय पानीपुरी. अगर आप लोगों को थोड़ी सी क्रंच चाहिए पूरी की, एक पूरी लीजिए, क्रंच क्रंच, एंड टॉप इट ऑन दिस. समटाइम्स आई ऑल्सो एंड अप पुटिंग अ लिटिल बिट ऑफ ऑनियन, टमाटो एंड कोथमीर टू मेक इट समथिंग वेरी वेरी टेस्टी. ओके, सो दिस इज हाउ आई ईट माय पानीपुरी का वर्जन, लेट्स से. ठीक है ना? नॉट ओनली डिड आई सेव माई सेल्फ फ्रॉम अ लॉट ऑफ फैट, बट आई ऑल्सो एट इन पोर्शन. ठीक है, आई गॉट ऑल माई टेस्ट. दिस इज वर्चुअली अ फैट फ्री हाई प्रोटीन मील. Converting something into a high protein fat free meal is an art, है ना? So I think this is what you will also do. आप लोगों में से कितने लोग ये वाला try करने वाले हैं? This version of पानी पूरी. Please tell me yes or no. How many of you will be doing this? Meanwhile, आज questions बहुत आ रहे हैं. Is it bad to eat boiled potato, Vilma? Actually, potato का story ये है ना, that हमारी dictionary में potato is a vegetable, but no, potato is not a vegetable. Potato is counted as a cereal in most places. Cereal जो है वो होती है हमारी corn, वो होती है हमारी rice, हमारा wheat, हमारा बाजरा, हमारा ज्वार. So if you are eating a continental meal and if you are eating abroad, you will see grilled chicken, okay, or a grilled piece of meat, you will see a side of broccoli, peppers, and you will see mashed potato, or you will see a corn on the cob. The mashed potato is their carbohydrate. They will either eat potato or bread. They will not eat both, okay, because potato is considered as a carb. So today what I did was, एक अच्छा सा low carb meal में 1 चम्मच potato डाला है. So potato की calories are really really closer to the calories of rice and wheat. That is why I limit my potatoes, because I rather eat the rice. So आपको choice करनी है, ठीक है ना? कभी कभी आपको quantity meal भी खा सकते हो. Riddhi saying वो आज पानी पूरी बना रही है. So I will try this. Riddhi, don't forget to send us pictures, okay? And tell me how your version is. Mera version to hai, logo ko kafi boring bhi lagta hai, isn't it? Somebody was asking me about, I think salt consumption, I don't know, kahan gaya wo? Haan, someone is asking me ki unka bachcha 8 mahine ka ho gaya hai, and can I start with salt? Saranathan, what I would say is that, why don't you, you know, WhatsApp on 98204-55544. We have a weaning guide, okay, for a baby from 7 to 9, okay, and 9 to 12. Please, aap ye weaning guide lena from Darshi, and she will explain to you not just when to start salt, but also give you an entire reference diet chart. Ji haan, ek dietitian ka kaam सिर्फ वेट लॉस या सिर्फ थायराइड मैनेजमेंट का नहीं होता. एट बैलेंस न्यूट्रिशन वी हैव प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 3 मंथ्स. जब वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड एक ममा नहीं कर सकती और बच्चा इज ऑन लैक्टोजन, नैन एंड ऑल दोस काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स, दे कॉन्टेक्ट अस इवन दैट टाइम. तो हमारे पास वीनिंग चार्ट भी है बच्चों को लेकर, एंड दैट इज हाउ आई फील वी शुड वर्क आउट. अब आया लॉकडाउन. लॉकडाउन में फिर से हम बंद गए घर में, लेकिन हमने बहुत दोस्ती करी है हमारी बिल्डिंग के स्टेप्स से. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर मूविंग योर मसल्स, बिकॉज एक तो है गर्मी एंड सेकंड इज नो मूवमेंट. दिस इज एंड थर्ड इज प्रॉक्सिमिटी टू द फ्रिज, राइट? सो ये 3 चीजें एक बहुत अच्छी रेसिपी बनाती है, और वो है बॉडी फैट. ओके, आप लोगों का सबका बॉडी फैट बहुत हाई हो जाएगा. So one thing that I would want you to do is to focus your attention this lockdown on 2 things. One is, do not let your waist, okay, waist, apni kamar pe dhyan dijiye. Do not put on excess fat anywhere around your body. Keep a big eye, and do not let your weighing scale get troubled. Okay, when we are dealing with you know what I say, a lockdown or a situation of work from home, I would like to bring to your notice about
टू न्यूट्रिएंट्स. लेकिन उससे पहले एक सवाल आ रहा है. आई डिडंट ईट पोटेटोज इन द लास्ट 20 डेज. माई मेंटर अलाउड सो मच मोर. देर वॉज राइस एंड शी हैड नो क्रेविंग्स एट ऑल. यू नो वॉट शिखा, द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट डाइटिंग डाइटिंग, बट हम लोग सब ज्यादा फिसल कब जाते हैं पता है, जब हमारे पास एक रीजन नहीं होता. सो अगर एक डाइट प्लान आपको ऐसे बताया जाए कि आपको आलू नहीं मिलेगा, आपको ब्रेड नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको वो नहीं मिलेगा, देन दैट डाइट चार्ट बिकम्स अ डाइट चार्ट विच नो वन कैन डू. यहाँ पे आर फोकस इज ऑलवेज ऑन वॉट यू कैन डू, वॉट यू कैन ईट. जैसे ये पानी पूरी है ना, क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू से, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी काइंड ऑफ अ थिंग, दैट इज व्हाट इट इज. ठीक है, अब आया हमारा प्रोटीन यू नो वाला पार्ट. कोमल इज आस्किंग व्हाइट राइस और ब्राउन राइस. कोमल, अगर वेट लॉस के चरम सीमा पे आप हो, मतलब आप अगर बहुत ज्यादा ओवरवेट हो और आप पहली बार वेट लॉस शुरू कर रहे हो, प्लीज स्विच टू ब्राउन राइस बिकॉज योर एपेटाइट इज हाई एंड ब्राउन राइस हैज मोर फाइबर. लेकिन अगर आप 10-12 किलो लूज कर चुके हो, अब आप बॉडी टोनिंग पे आने वाले हो, तो आप थोड़ा सा व्हाइट राइस खा सकते हो अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ प्रोटीन इन द डाइट. दैट विल मेक श्योर योर मसल्स एंड योर बोन्स आर प्लेइंग स्ट्रॉन्ग. ओके, यस, शी सेइंग माय डाइट चार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई लव इट. एक्चुअली दैट इज व्हाट द बिग सरप्राइज टू ऑल द क्लाइंट्स कम्स, यू नो कि ये डाइट चार्ट है, सीरियसली इससे मेरा वजन उतरेगा. एंड देन आफ्टर 10 डेज व्हेन वी सी अ गुड वेट लॉस, एवरीवन लव्स इट, राइट. तो आज का टॉपिक जो है, मैं फाइनली आप लोगों को बता दूं, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर वेरी वेरी यू नो व्हिच आर एट अ रिस्क, ओके, ऑफ रिड्यूसिंग व्हेन वी आर ट्राइंग टू बैटल लॉकडाउन नहीं बट इवन अदरवाइज. ठीक है, when it comes to the nutrient called protein, I must tell you that as Indians, हम लोग सबसे कम protein खाने वालों में से है. Yes, अगर आप 55 kilos के ideal body weight पे चल रहे हो, तो आपकी requirement as per Indian standards है 1 gram protein per kg body weight. Okay, so अगर आपका body weight 55 है, तो आपको 55 grams protein खानी है. और अगर आपका weight 60-65 है, तो उतनी. अगर आप ओवरवेट चल रहे हो, तो आपको आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए एंड आपका कार्बोहाइड्रेट एंड फैट थोड़ा कम करना चाहिए. हाउएवर इन द इंडियन डाइट्स वी डू नॉट रीच दैट गोल. ओके, वी ओनली रीच द गोल ऑफ 80% ऑफ यू नो योर डाइटरी रिक्वायरमेंट्स. जी हाँ, आप लोगों को ये समझ आ रहा है, इज इट इंटरेस्टिंग और शैल आई टॉक अबाउट समथिंग एल्स. सबा इज सेइंग आई हैव पीसीओडी, प्लीज हेल्प मी फॉर माय वेट लॉस. सबा, फॉलो अस फर्स्ट एंड सेकंड इज यू कैन आइदर डीएम अस और कॉल ऑन 9820455544 एंड वी विल बी रेडी टू हेल्प यू. इज दैट टॉपिक यू नो फॉर टुडे अमेजिंग एंड अवेलेबल. अच्छा, अंकिता इज सेइंग दैट सूजी की पूरी अवेलेबल है. अंकिता, नो पूरी, नो पूरी, पूरी इज फ्राइड. ओके, तो हम पूरी नहीं खा सकते, भले ही फिर वो सूजी की हो या भले ही वो किसी और की हो. यूरिक एसिड पेशेंट, व्हाट कैन दे हैव इन प्रोटीन्स? यस, यूरिक एसिड इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट टॉपिक. एंड उसके बाद मैंने आपको प्रॉमिस भी किया है कि वी आर गोइंग टू गो थ्रू द वेरियस फेजेस ऑफ अ वुमन्स हेल्थ. तो ये दो टॉपिक मेरे बहुत 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 जल्द आने वाले हैं. ओके, फर्स्ट लेट्स मेक फ्रेंड्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटीन. हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल यू नो टॉकिंग अबाउट प्रोटीन? क्योंकि आपको बता दूं, आप आज जो खा रहे हो ना, आपकी जो डाइट होगी, अगर आप डाइटिशियन के पास नहीं जा रहे हो, तो आपकी डाइट होगी विच विल बी गिविंग यू अबाउट 20% ऑफ योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट. जी हाँ, एक आपका जो रिकॉल आता है ना, हम लोग आपको पूछते हैं व्हाट आर यू ईटिंग इन अ डे, व्हेनेवर वी ब्रेक इट डाउन, आपकी प्रोटीन इज नॉट इवन 20 grams. हालांकि आपको चाहिए 50, 60 and 70 grams ऑफ प्रोटीन, राइट. So what I would you know expect out of you today is to understand the importance of this nutrient and also आपको easy चीजें सिखा देती हूँ जो आपकी protein requirement भी handle कर लेगी. I want to start with a very nice recipe for your you know, मैंने last time आप लोगों को fennel iced tea बताई थी. Today I'm going to show you another recipe. Amazing glass, lot of ice. Can you see this ice melt हो जाए उसके पहले? I think I should show you the recipe, isn't it?
How many of you feel like having some Surekha Singh videos inspirational? Thank you. And Ashraf is saying sometimes want to have proper pani puri. Ashraf, ek khale bas. Uske baad jo main bol rahi hu, wo khalo. You will be happy also and satisfied. How many of you are ready for recipe number 2? जब आपको मन करता है थम्स अप पीने का, पेप्सी पीने का, कैंड फ्रूट जूसेस पीने के, गर्मी गर्मी गर्मी, यू नो द एंटायर इंस्टाग्राम इज फुल ऑफ दैट नेचर सीरियल एंड दिस जूस एंड दैट जूस. नोइंग मी, आई थिंक पीपल नो दैट आई डोंट लाइक टू मच ऑफ यू नो जूसिंग ऑफ द फ्रूट्स, बट फिलहाल के लिए आई थिंक. अच्छा, अलका ने बोला आई मेड फेनल टी, इट्स नाइस. जी हाँ, आज की रेसिपी, fill almost half your glass with ice cubes, then take half a glass of coconut water. All right, this coconut water goes right inside over here. So kisi ko yahan ye dekh ke lagega nahi ki this is a wonderful drink in the making. Jab jab aapko cold drink peene ka, this is a great alternative for a cold drink craving. All right, so what I have done is I have taken ice and I have taken coconut water. In that, I have soaked these chia seeds overnight. Let me tell you that I have taken one spoon level karke, huh? One level spoon of chia seeds I have taken, and when it is swelling, if you see, it has already reached the top of the katori. So just imagine the volume, it is increasing 50 times. So जो जो आप लोग Instagram देख के आप लोगों की diet में chia seeds डाल रहे हो, आपको 50 times ज्यादा पानी पीना है अगर आपको ये chia seeds digest करानी है. Okay, I am putting 2 spoons of soaked chia seeds into this. Chia seeds has good amount of protein. ओके, मैंने 2 चम्मच डाली हुई है. आई थिंक बिकॉज माई ड्रेस इज वाइट, पीपल विल नॉट बी एबल टू सी इट, ब्लैक, सो पीपल आर नॉट एबल टू सी इट, बट कैन यू सी दिस नाउ एवरीवन? कैन यू सी द चिया सीड्स शाइनिंग एंड स्पार्कलिंग? डजंट इट लुक लाइक अ स्पार्कलिंग ड्रिंक? ओके, व्हाट डू यू फील लाइक टुडे? आई फील लाइक एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ पुदीना टू दिस. ओके, सो आई हैव एडेड मिंट. ओके, and what do you feel like drinking today? Do you feel like drinking watermelon or do you feel like drinking mango? If you write in the comments, I will decorate this drink with either watermelon or mango. So somebody is asking me about can we eat bhel without sev and potatoes? Kyun potatoes dal de? In fact, sprouts dal de, onions, tomatoes, chopped, kachi kerry jo aa rahi hai, wo chopped, kothmir chopped, and make a yum, nutritious bhel out of it. Okay, one says mango, one says watermelon. Just tell me what votes, guys. Achha, somebody wants mango. Sab log mango lovers hai here, okay? So, here we go. Khyati and Surekha, only you and I love watermelon, but public demand, you know. So, what I am doing is, I am going to add... There we go. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pieces of mango gone in right here. Okay. Now tell me, agar aapke paas life mein ye drink aa raha hai, which has your electrolytes, because aapko jo susti chad rahi hai na, the potassium in the mango, the potassium in you know, your coconut water, the protein in your chia seeds and the iron in your pudina is going to rejuvenate you like nothing else. I know aap logo ko bahut craving ho rahi hogi, lekin unfortunately, this drink can be tasted only by me. Oh my God. Zero sugar. Can you believe it? Koi drink jo finally aap logo ko, it's beneficial. लाइफ विदाउट मैंगोज, 100 किलो के हो तो भी खाना नहीं छोड़ना है हमें. ओके, अ क्विक रिकैप टू दिस रेसिपी. इंस्टेड ऑफ एनी ऑफ योर, लेट मी गिव दिस अ नेम, एनीवन, कैन वी गिव दिस अ नेम गाइस? शैल वी कॉल इट अ मैंगो कोको कूलर? All right, an ideal replacement for your cravings for thumbs up, if you are craving for gold, you know, those
golden looking drinks, then this is something that we need to do. All you need to do is fill half your glass with ice cubes. You can take whether it is pudina, whether it is celery, it is all going to be of great help to you. What I would want to tell you here is that a glass of thumbs up may give you 100 calories and 12 grams of sugar. This is giving you less than 100 calories with 0 grams sugar. Amazing. Khyati ne bola hai minty mango cooler. Correct. Minty mango cooler. Okay. An alternative to all your cravings for sugary drinks and carbonated syrups. Just take some coconut water, chill it, add some ice, add soaked chia seeds, mango, pudina, and you are ready with a lovely drink which is under 100 calories and has zero sugar. Rich in electrolytes, rich in potassium, an ideal deal for lockdown and summers. Amazing, right? कतारिया नायक ने कहा है मैंगो कोको मोइतो. राइट, दिस कैन बी मोइतो ऑल्सो. अमेजिंग, राइट? दैट इज द रेसिपी फॉर टुडे दैट आई डेफिनेटली वुड वांट यू टू लुक एट अगेन. ऑलराइट, विल्मा सेज इन स्कॉटलैंड वी डू नॉट गेट कोकोनट वाटर, वी गेट पैक्ड कोकोनट वाटर. विल्मा, इफ इट इज कोकोनट वाटर दैट इज वेरी नाइसली पैक्ड एंड इट इज फ्रॉम अ टेट्रा पैक promising you of all the nutrients, then please go ahead. And Riddhi saying consuming watermelon daily is good. Yes, right now look at the season. Itni garmi mein to aapko wo karna hi hai. All right. Now it comes to one topic that I always wanted to tell you, which is the consumption of the right food in lockdown and making sure that you make the best out of lockdown. How many of you are still overweight? Can anyone tell me? How many of you who are watching me are running the overweight bucket? Kisko apni hi weight se problem hai? Anyone who has a problem with their weight right now? Just say me in the comments. Okay. Anyone who has a problem with PCOS? Anyone who has a problem with... Yes. All of them. See, so many of you are having a problem with your weight. Yes. So, Vilma, we have so many clients all over Europe who are doing the online program with us. Why don't you also join us? Okay. What I want you all to do is, first of all, yes, Surekha is saying that I'm getting there. Surekha, I think we should do one live video with you because you are an excellent example of someone who is not just losing weight, but also is managing her blood sugars very, very well. Okay, so all of those who are having thyroid, who are having weight issues, who are in any part of the world can easily do, Kataria ji is having PCOS. So all of you, please make sure that you are getting on a program and resolving all these issues. We hardly have anything, that is going to keep us extremely busy in life. I know a lot of us will say there is too much to do, but I will tell you that there are many distractions which will come once everything is fine, which it will be very soon. Okay, but ye jo time hai na, jahan aap logo ke paas bahut kam distractions hai, jaise ki restaurants, jaise ki holidays, jaise ki whiling away your time on visiting some place, etc. This is the right time to start looking at weight loss. If at all you are making your efforts, this is the time. इस बार अगर आप समर में वेट लॉस करोगे तो यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट इट इज वेरी इजी टू मेंटेन इट. ऑल दोज हु आर फियरिंग दैट रमजान विल स्टार्ट, प्लीज डोंट वरी, यू विल बी टेकन केयर ऑफ वेल दैट टाइम ऑल्सो. बिटी इज सेइंग शी इज बिकम अंडर वेट बिकॉज शी इज फॉलोइंग माई डायटरी रिकमेंडेशन. बिटी तो अंडर वेट तो है नहीं, ठीक है ना. आई हैव ऑल्सो पुट अप इन द कमेंट्स, इफ यू सी अंडर पिंड चैट, समथिंग वी कॉल एज आवर हेल्थ स्कोर. सो वी, if you want to understand what is the amount of weight you need to lose to be fit, take that score. Dekhiye comments mein hai. Otherwise, you can DM us or you can call us on 98204-55544. One important announcement which my teams had asked me to make is that
टेरिफिक ट्यूसडे ऑफर आई थी जहां पहली बार यू नो वी डू वन ऑफर फॉर वन पर्टिकुलर डे इन अ पर्टिकुलर ईयर एंड दिस इज व्हाट वी हैड डन लास्ट ट्यूसडे वेयर इन टेरिफिक ट्यूसडे ऑल आर प्रोग्राम्स वर एट 50% ऑफ एंड एन एडिशनल वाउचर ऑफ ₹500 वाज गिवन. व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज दैट टुडे इवन दो इट इज थर्सडे दीज ऑफर्स आर लाइव टिल 7 PM. In case you would like to access those offers, please go to 98204-55544. And if you're an existing client, you always will have something extra special. So go and talk to your mentor. 7 o'clock is your deadline because, you know, this particular offer where you have a 50% and a voucher and a free immunity cleanse, it's unlikely that it will come again. All right. So all of you, go ahead. I have Quilling who's saying, hi Khyati, I hope you're doing good. So, aapke Instagram handles and aapke Facebook naam itne alag hote hai that it takes me a while to realize y'all are my clients or no. Alright. Right. Okay, guys. Now, back to just ringing a little bit of information to you, and that is, I wanted all of you to understand one quick recipe when it comes to desserts. Theek hai? Jab jab desserts ki baat hoti hai, तब तब अभी के लिए तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा मैंगो मिल्कशेक, मैंगो आइसक्रीम, है ना, मैंगो क्रीम एंड गॉड नोज व्हाट नॉट. ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू बी डूइंग समथिंग कॉल्ड एज 3-in-1. वी विल एड्रेस योर इश्यू ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स, वी विल एड्रेस योर इश्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायरमेंट्स, वी विल एड्रेस योर वेट लॉस इश्यू, एंड वी विल एड्रेस द टेस्ट इश्यू ऑल्सो. सो 4-in-1 दिस रेसिपी is something that I am going to start by using. Let me make it a fruity cocktail-y thing. So this is what we are going to do. I'm going to use this mason jar. Veena is saying that I've already joined my next program. Yes, I know a lot of you, despite having a program pending, have taken this offer, which is very good because weight loss is always done in phases. A lot of you are in the weight loss phase. A lot of you are in the phase where you guys are into the protein phase, where you are building your muscles and where you're toning up, right? Yaar, sare mangoes use kar lete hain. Bahut badhiya lag rahe hain. Correct? So this is going to be my dessert for today and tomorrow, you know? And whenever I'm coming from my evening walk, मुझे बहुत भूख लगती है, and that is the time, अगर मैं सीधा dinner ले लूँ तो वो dinner में ज़्यादा खा लेती हूँ. So this is what it looks like, mangoes. After mangoes, I am going to take Greek yogurt. This Greek yogurt is plain, guys. Okay, it has no flavor at all. गर्मियों में दही का इम्पोर्टेंस आई थिंक आप लोगों को बताना बेवकूफी होगी. रिच इन प्रोबायोटिक्स, समथिंग दैट वी ऑल, आई लव द स्मेल. ओके, हमारा पेट भी सही रहने वाला है. लेट मी पुट 2 स्पून्स ऑफ इट, लेयर करते हैं, देखते हैं क्या होता है. ऑल राइट, सो हियर वी लेयर इट नाइसली. कैन वी सी दिस नाइस एंड वाइट? गॉट इट, परफेक्ट, सुपर्ब लग रहा है. नाउ लेट मी पुट 2 spoons of chia seeds in it. Okay, so here we go. Spoon number 1 and spoon number 2. Yeah, guys, can you see this layer that is come? See this? Looks nice. Everyone can see what I'm making, guys. Greek yogurt has a higher amount of protein than your normal yogurt, and it generally tastes better with desserty kind of things. So, agar aapko kuch meetha khana hai na raat ko, ye raha aapka. So, you have mango, you have Greek yogurt, and you have chia seeds. Ab jo main karne wali hu na, that is, I'm going to put a few pieces of watermelon. I know many of you like to take out the beej of watermelon. Mere ghar mein, that is a strict no-no. Because the watermelon seeds have so many more nutrients that I cannot deal with us doing bad to it. Okay, so here are the watermelon pieces that have gone in. Kitna badhiya lag raha hai, guys, just check, isn't it? What you have to do is now take a call, because maine yahan pe koi bhi kism ki sugar, honey, kuch bhi nahi dala. You can do something like adding a little bit of color to it. So let's add some mint to it. See how colorful this thing looks, guys, right? इसको ठंडा करना है, आधा घंटा रेफ्रिजरेट करिए, एंड
यू आर हैविंग समथिंग इन डिजर्ट विच इज गोइंग टू ओनली एंड ओनली हेल्प यू एंड नॉट हार्म यू. हाउ डू यू लाइक दिस रेसिपी एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू ट्राई दिस रेसिपी. चिया सीड्स महंगी होती है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि चिया सीड्स की जगह यू शुड बी टेकिंग जस्ट नॉर्मल सब्जा इंडियन बेसिल सीड्स, इट इज फाइन, नो इश्यूज विद दैट एट ऑल. सो टुडे यू अंडरस्टूड दैट बीइंग ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट इज नो रॉकेट साइंस. ठीक है ना, हाई प्रोटीन मील नंबर वन, हाई प्रोटीन मील नंबर टू एंड हाई प्रोटीन मील नंबर थ्री इज समथिंग दैट आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस. आप लोगों को सबको पता है मुझे पैकेज फूड या पैकेज जूसेस इतने अच्छे नहीं लगते, isn't it? So what Rabia is asking me, can we put curd instead of Greek yogurt? Yes, curd ko acche se phent ke ye creamy ish texture lana and then you can do this. Veena is saying, can I add this drink in between when I'm on a diet program? Veena, apni mentor se pooch lo, she will remove something and add this in your diet. All right, this is soy milk, okay? Plain, no chocolate flavor, no other flavors. Whenever you feel like having cold milk, okay, this is what you should have. I always keep it in my bag because dairy, it's not that I don't do dairy, but sometimes mujhe lagta hai ki kabhi kabhi nut milk for just the purpose of a change in your palate as well as making this cholesterol free, because everything coming from dairy mein cholesterol hota hai, right? So what we should do is thoda sa cholesterol free cheeze to chalta hai. If you are watching your weight, iske andar aap nuts mat dalna. But if you are not watching your weight and if you are looking at protein and if you are looking at phase 2, aap 2-3 almonds isme easily dal sakte ho. Right guys? I think today we did a wonderful job with all the recipes and what I feel is that aaj ke liye मैं खोल सकती हूँ अब हमारा ओपन हाउस सेक्शन, isn't it? If you have any questions regarding any topic pertaining to nutrition, weight loss, you can easily let me know. But my tip to you will be only one. पिछली बार भी लॉकडाउन आया था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टाइम था फॉर यू टू वर्क ऑन योर हेल्थ एंड लूज योर वेट. दिस टाइम ऑल्सो कंसिडर दिस एज अ स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, भले ही वो छोटा सा है, भले ही किसी किसी शहरों में सिर्फ नाइट कर्फ्यू है, रिस्ट्रिक्शन है, कंसिडर दिस एज अ स्मॉल लिटिल यू नो व्हाट यू से थिंग दैट यू कैन यूज टू स्टार्ट योर हेल्थ जर्नी. मेंटेन करना ईजी होता है. ऑल आर क्लाइंट्स लाइक व्हाट दे वर राइटिंग कि डाइट प्लान इतना ईजी और इतना सिंपल है और इतनी वेराइटी है कि उनको पता ही नहीं चलता कि लाइफ में मिस क्या हो रहा है. ओके, दीक्षा इज सेइंग, कैन यू टेल अस अबाउट योर ऑफर्स? जी दीक्षा, दिस ऑफर वाज अवेलेबल ऑन ट्यूसडे फॉर 24 आवर्स, वेयर ऑल द प्रोग्राम्स ऑन बैलेंस न्यूट्रिशन विच आर ऑनलाइन डाइट प्रोग्राम्स, बट अनलाइक अदर एप्स हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है. ओके, वी डू एवरीथिंग, ऑल आर न्यूट्रिशनिस्ट आर सिटिंग राइट देयर टू रिप्लाई. इसीलिए कभी कभी रिप्लाई में देर हो जाती है बिकॉज हमें सोच समझ के आपको जवाब देना होता है. बट दैट इज द रीजन आर प्रोग्राम्स वर्क बेटर देन AI बेस्ड प्रोग्राम्स विच इज आर्टिफिशियली आप कुछ लिखो वो कुछ जवाब देते हैं, आप कुछ लिखो वो कुछ जवाब देते हैं. नो, आर प्रोग्राम्स हैव ह्यूमन बींग्स सिटिंग राइट बिहाइंड ओवर देयर रीडिंग एवरी पार्ट ऑफ व्हाट यू आर सेइंग एंड दैट इज ऑल्सो अ ब्यूटी बिकॉज आप अपनी क्वेरीज लिखते हो. जो भी आप लिखते हो ना वो हमारे पास एज अ रिकॉर्ड रहता है और मैं जाके वो खुद पढ़ के देख सकती हूँ कि वेयर आर यू हेडेड. सो नाउ आई विल कम बैक टू माई ऑफर्स. द ऑफर्स आर फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल द प्रोग्राम्स, ऑनलाइन डाइट प्रोग्राम्स एट बैलेंस न्यूट्रिशन विच वॉज सपोज टू एंड येस्टरडे एट 9 AM बट दे विल बी एंडिंग टूडे एट 7 PM बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अ 24 आवर एक्सटेंशन. ओके गाइज, Do we have to soak the chia seeds? Punita, always soak your chia seeds. Okay. दो तीन लोगों बोल रहे हैं कि you are looking awesome. Thank you. I am looking for post-pregnancy weight loss. Yes, Deeksha, it is the best time to start. And we will also take care of the requirements of your body after pregnancy. There are many, not just losing weight. Okay. Gluten, एक question है मीनाक्षी का. Gluten intolerance is a disease or a disorder? I would call it a disorder, Meenakshi, because अगर एक gluten intolerant है, जिस gluten, by the way, gluten intolerant is a person जो wheat या gluten नहीं खा सकता. Okay, wheat नहीं खाना होता है, oats नहीं खा सकता, which means दलिया नहीं, रवा नहीं, bread नहीं, biscuit नहीं, but
इफ यू आर एन इंडियन, आप बाजरा रोटी खा सकते हो, मकई रोटी खा सकते हो, रागी रोटी खा सकते हो, आप राइस खा सकते हो. सो इट इज नॉट दैट बिग अ डील इन आवर डाइट एटलीस्ट. ओके, वी मेक श्योर दैट वी गिव यू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. बट यस, ग्लूटेन इनटॉलरेंस है ना मीनाक्षी, एपिसोडल है. सो इफ इट समटाइम्स देर इज अ एपिसोड ऑफ इट विच लास्ट फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, बट समटाइम्स द एपिसोड जस्ट डिसअपियर्स इन डेज एंड डज नॉट रिटर्न फॉर ईयर्स. बट आई वुड से टेक इट ईजी. कैन यू प्लीज टेल इफ यू हैव वीकनेस एंड वॉट इज द बेस्ट थिंग? परी, आई डोंट हैव वन वीकनेस, आई हैव मैनी वीकनेसेस. ओके, आई विल डू दिस. वी कैन डू अ पोस्ट सीरीज ऑन वॉट आर माई वीकनेसेस. वीकनेस नंबर वन, कुड नेवर एक्सरसाइज. वीकनेस नंबर टू, कुड नॉट लीव ब्रेड. वीकनेस नंबर थ्री, कुड नॉट लीव माई वीकेंड एल्कोहॉल. थोड़ा सा सोशली, विच आई ऑलवेज लव्ड. एंड फॉर मोर आई थिंक कीप फॉलोइंग अस. आई विल डू दैट एंटायर सीरीज फॉर यू. ओके, खाने पीने की वीकनेसेस जो है उसके लिए भी सोल्यूशन है. ड्रिंकिंग वीकनेसेस के लिए भी सोल्यूशन है. नो एक्सरसाइज के लिए भी सोल्यूशन है. वी शुड डू दिस आई थिंक लाइव वेरी सून, राइट? एंड परी, बेस्ट थिंग टू बूस्ट एनर्जी लेवल्स, कीप ईटिंग एवरीथिंग नेचुरल. डू नॉट ईट एनीथिंग आर्टिफिशियल. अगर ये पीना है या फिर अगर आपको कैंड जूस या एरिएटेड ड्रिंक जैसे थम्स अप पीना है, ये पी के देखो आपकी एनर्जी लेवल भी कैसी रहती है. एंड आई थिंक यू विल बी गुड. I cannot eat watermelons and sweet melons. I get headache. Shikha, I don't think that is the reason for your headaches. Okay, there is something somewhere that is not matching. अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंडा खा रहे हो, या you know, अगर आप empty stomach खा रहे हो, so there is this entire thing which needs to work out probably with a proper guidance. You should be able to eat them. I'm your old client. I have noticed that the moment I start the diet, within a few days I fall sick and then I give up. Khyati Choksi ji, I remember you very well. Diet mein kabhi bhi fall sick hona is absolutely nothing related to it, but maybe sometimes you know we just get a few bad days. I would say that the thing that is lacking a bit over here, no, is that motivation. हमें देखो, आई कैन ऑलवेज बी अवेलेबल. योर डाइटिशियंस, योर मेंटर्स, सब लोग ऑलवेज अवेलेबल रह सकते हैं आपके लिए टू कीप मोटिवेटिंग यू. लेकिन मैंने प्रोग्राम में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर भी डिपेंडेंट रखी है, बिकॉज आप लोग हमारे साथ 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल रहोगे, बट लाइफ लॉन्ग क्या करोगे? सो आई बिलीव दैट मुझे आप लोगों को पूरी जिंदगी के लिए रेडी करना है. वेदर इट इज़ शादी में जाना, वेदर इट इज़ ट्रैवल करना, वेदर इट इज़ बर्थडे पार्टीज अटेंड करना, या एनीथिंग, यू शुड बी रेडी विथ हाउ टू टैकल योर इटालियन डिनर, हाउ टू टैकल पानीपुरी डिनर, एंड हाउ टू से नो टू थम्स अप ऑल्सो, इज़न्ट इट? बट एट द सेम टाइम शुड नॉट फील बैड अबाउट इट, राइट? मोटिवेशन इशू हियर एज वेल. रेणुका, तू तो मोटिवेशन की बात ही मत कर, ठीक है ना? Something that you do is what I like. You take care of yourself and you do one program every single year. Only thing is that yes, sometimes you need to listen to the videos and talk to us a little more frequently. You will do excellent. Okay. Then I think we have how much should we walk? 10 kilometers, 20 kilometers, Himali. It is not just one particular thing. Lose weight ke liye diet kaam nahi karega ya sirf walk kaam nahi karega. अगर आपको, हाँ बट एक बता दूँ दैट अगर आप वेट लॉस शुरू कर रहे हो और अगर आप बहुत ज़्यादा फॉर्म में आके बोलते हो ना, जिम मेंबरशिप, 5 किलोमीटर चलना, आलू छोड़ दिया, फ्राइड छोड़ दिया, स्वीट छोड़ दिया, यू विल लास्ट ओनली फॉर 3 डेज. सो व्हेन माय क्लाइंट्स आस्क मी अबाउट एक्सरसाइज, कभी जिंदगी में करी नहीं होती, आई से वेट इट आउट. डोंट स्टार्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर वेरी डिफरेंट एंड न्यू टू योर लाइफ. ओके, समटाइम्स एक एक चीज शुरू करो. अगर डाइट शुरू कर रहे हो ना, तो उसको अच्छे से करो. गिव योर 100% टू इट. अगर आपको चॉइस है आधा घंटा किचन या आधा घंटा वॉक, आपको आपकी डाइट के लिए आधा घंटा किचन में रहना चाहिए, बिकॉज 80% ऑफ योर बॉडी इज वॉट यू ईट, ठीक है ना? एंड आफ्टर दैट इज वॉट वी कैन सी वॉट टू डू अबाउट एक्सरसाइज. पहले एक तो मास्टरी कर लो. आई थिंक रुबल, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन ऑल्सो, है ना? ओके गाइज, आई थिंक आज हमने काफ़ी सारी बातें कर ली है. वी आर ऑलमोस्ट लाइव फॉर लाइक 50 मिनट्स, ठीक है ना गाइज? ओके, एनी अदर क्वेश्चन दैट आई फॉरगॉट? समवन इज सेइंग आई एम डूइंग अ वेगन डाइट बट मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है. साबा, अगर आप हो नॉन वेजिटेरियन, आप कर रहे हो वेगन डाइट, और अगर आप यहाँ वहाँ का सुनसान के कर रहे हो, तो आपका होने वाला नहीं है.
ठीक है ना। सो पहले तो जो डाइट प्लान करो वो थोड़ा लॉजिकल करो, ठीक है। पहले मेक श्योर दैट यू आर यू नो अंडरस्टैंडिंग कि ये एक शॉर्टकट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है। और एज आई सेड, ईट स्मार्ट नॉट राइट। हर बार सही नहीं कर सकते ना, कभी कभी स्मार्ट भी बनना पड़ता है, ठीक है ना। देन आई हैव वन क्वेश्चन, विच इज बेटर टू ईट, व्हाइट राइस या रोटी? एक रोटी में 30 ग्राम्स आटा, 100 कैलोरीज, ओके। 30 ग्राम्स व्हाइट राइस, 100 कैलोरीज। व्हाइट राइस जो है ना, अगर वो बहुत ज्यादा, इट्स विदाउट फाइबर, ओके, देन योर व्हाइट राइस इज गोइंग टू कॉज अ लिटिल बिट ऑफ वेट गेन। बट अगर आपका व्हाइट राइस इज से उकड़ा जिसे कहते हैं, या एक छोटा सा कवरिंग होता है ना जिसमें वो पूरा का पूरा हस्क नहीं निकालते हैं, पार्शियली, इट इज अ हाई फाइबर राइस। सो हाई फाइबर राइस या आपकी व्हीट रोटी जो है, वो भी अगर आपका आटा मैदे जैसा बारीक ना होके थोड़ा सा मोटा होगा, यू विल नॉट गेन दैट काइंड ऑफ वेट। यू कैन ईट बोथ वेरी वेल। आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक और ट्रेंड चल रहा है, एंड दैट इज टेलिंग एवरीवन टू बी इन अ कैलोरी डेफिसिट। जी हाँ, सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट टू लूज वेट इज कैलोरी को कम करो। तो इसीलिए इतना यू नो फैंसी वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, हम उसे सिखाते हैं आप लोगों को इन द फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज दैट यू अंडरस्टैंड, पोर्शन, है ना। मैंने आप लोगों को पोर्शन कंट्रोल समझाया था, इजंट इट गाइस। सो पोर्शन कंट्रोल में मैं आपको हमेशा कहती हूँ, राइट, दैट दिस इज हाउ मच यू ईट, दिस इज योर डिनर। सो बाय द टाइम यू फिनिश द प्रोग्राम विद अस, आपको पता है एक कटोरी में और एक बोल में क्या फर्क होता है, इजंट इट गाइस। सो फैंसी फैंसी वर्ड्स, फैंसी फैंसी थिंग्स, नो, दिस इज प्योर एंड सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस, ओके। माय वेट इज स्टक आफ्टर रिड्यूसिंग 13 केजीज। प्रीति, प्लेटो थई गयु छे। वी हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग समथिंग विच ब्रेक्स दिस प्लेटो। वी डू हैव अ प्लेटो ब्रेकिंग प्रोग्राम, वॉन्ट यू टू टॉक टू 9820455544, ओके। That she will make sure that she helps you with the right program and the right approach to break this plateau and make you lose 10 kgs also, isn't it? Right, guys? At age 54, can we lose? Alka, the youngest client in Balanced Nutrition, is 79 years old and he is doing fantastic. Okay, the youngest I call because main mere clients ko kabhi old nahi bolti, theek hai na? I always ask everyone, how young are you? I don't say, how old are you? Isn't it, guys? Okay. Yes, I think I have answered and asked you a lot of, you know, thinking to be done, right? Does jawar ragi and jav roti help in reducing weight? Chital, agar jawar ragi aur jav ki roti lunch mein khai, lekin butter pav bhaji dinner mein khai, to no, it won't make you lose weight. Losing weight is not about understanding one thing. Losing weight is about understanding everything. Okay, and that is why we take 3 months with you or more sometimes. Okay, last but not the least, right, here we go. Last but not the least, what I would like to say is that I will come back next Wednesday, but don't forget that again you have got a chance to take care of yourself, distractions nahi hai, and you are good to go. What should you have in evening snacks? Okay, closing questions. Evening snacks may hummus with breadsticks, भेल विच इज मेड यूजिंग स्प्राउट्स, कुरमुरा, टमाटर, अनियन, नींबू, कच्ची कैरी एंड योर चॉइस ऑफ चटनीज। यू कैन ईट सेव पुरी, बट यू कैन डू काकड़ी सेव पुरी इंस्टेड ऑफ पुरी। यू कैन ऐड क्यूकम्बर स्लाइसेस एंड मेक योर चॉइस ऑफ यू नो सेव पुरी। यू वॉन्ट टू ईट मखानाज, यू कैन ईट मखानाज। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड स्टिल लूज वेट, गाइज। ओके, बाय। इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई विल सी यू सून अगेन।